नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। और हमारे पास जो ये हथेली है, इस हथेली में जो ये माइंड की रेखा है, ये विशेषतर देखने लायक है। इस पे हम सबसे पहले इसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, हर हथेली में अलग अलग लाइनें होती हैं और उनका उस व्यक्ति के जीवन में अलग अलग महत्व रखती हैं, अलग अलग परिणाम देती हैं। चाहे हमारे हथेली में अगर उंगलियों का झुकाव देखें, उंगलियों की लंबाई देखें, इस और भी जो है जीवन के कई दृश्य ये उजागर कर लेती है। हथेली की रंगत भी जीवन के कई उद्देश्यों को, जीवन की जो प्रतिभा है उसको उभर के ले आती है। जीवन किस तरह से जिया जाता है, व्यक्ति की हथेली का रंग भी कई बार जो है इस और इशारा करता है और उसका भी विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ने से पहले अपने सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है आप लोग वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो चलो थोड़ा शुरू करते थे। देखिएगा, हथेली की जो रंगत है वो बहुत सुंदर है। ये अपने आप में कह रही है कि व्यक्ति का आने वाला जो समय है वो काफ़ी सौभाग्यशाली, काफ़ी सुंदर रहने वाला है। और ये जो जीवन बचा हुआ है, अभी तो बहुत लंबी उम्र है, क्योंकि जैसी जीवन रेखा और जैसी हृदय रेखा और जैसे हथेली का आकार दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से जो है काफ़ी लंबा, काफ़ी अच्छा जीवन है। और जीवन का बहुत लुत्फ जो है आप लोग उठाएंगे, बहुत सुंदर जो है जीवन रहने वाला है। पैसों के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा, सुख के मामले में भी अच्छा खासा जो है रहने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ पे नज़र पड़ती है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा सबसे पहले तो आपस में जो है जुड़ी हुई नहीं है। इनके बीच गैप का माहौल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होता है, अपनी मन के करने वाला होता है, किसी की ज़्यादा सुनता नहीं है और किसी के अंडर में ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता है। दूसरी बातें बोलो तो रिस्पॉन्सिबल ऐसा व्यक्ति होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी ऐसा व्यक्ति निभाता है, मगर स्वतंत्रता से जीता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ तक जो है ये जो भाग्य ये मस्तिष्क रेखा है इनकी, ये यहाँ तक ये चल रही है और ये जो है यहाँ से फिर जो है इतना लंबा गैप है, टूटा हुआ है। देखो, कम से कम बीच में आपको 5 साल का जो है संघर्ष है। और अभी अगर संघर्ष की बात करें, ठीक होने, अब तो ठीक होने बैठ गया, अच्छा स्टेबल होने बैठ गया है, फिर भी स्टेबल होते होते 2 साल का समय ये लेगा। मानसिक स्तर पे भी व्यक्ति काफ़ी जो है संघर्ष की स्थिति पैदा करता है, शारीरिक पूरा जो है जीवन को जो, जब देखो जब मस्तिष्क पे किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, जब मस्तिष्क पे दबाव पड़ता है, तो ये समझने की बात है बाकी सारी चीज़ें अपने आप अस्त व्यस्त हो जाती हैं। व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदल जाता है, जिस तरह से वो जी रहा होता है, जिस तरह से उसका रूटीन चल रहा होता, वो रूटीन एकदम बदल जाता है और बहुत ज़्यादा जो है संघर्षों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। यही चीज़ ये दिखा रहा है कि कम से कम 2 वर्षों तक अभी भी जो है हल्के रूप से, अब उतना नहीं है, अब बिल्कुल हल्के है, अपने को स्टेबल करने की ओर आप बढ़ रहे हैं, स्टेबल ज़रूर करेंगे, बहुत सुंदर जो है ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये संघर्ष की बहुत बड़ी स्थिति को दिखाता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा आपकी भाग्य रेखा शुक्र से चलती हुई और यहाँ तक जो है बिल्कुल यहाँ पे रुक रही है, आगे अगर वो जा रही है तो बहुत धीमी अवस्था में जा रही है, पता नहीं लग रहा है, यहीं पे जो है मस्तिष्क रेखा पे एकाएक रुक रही है। मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है
और मस्तिष्क पे शुक्र पर्वत से जाके आपकी भाग्य की लकीर और यहीं पे एकाएक रुक रही है। दो बातें ये बता रही है, एक तो व्यक्ति का माइंड पे मस्तिष्क रेखा का रुकना ये चीज़ बताती है कि व्यक्ति जो है अपने माइंड से जो है गलत निर्णय लिया होगा या ले सकता है, जिनकी भी ऐसे रुकती है, जाने अनजाने में व्यक्ति के द्वारा जो है गलत निर्णय लेने के कारण अपना पूरा विकास जो है व्यक्ति अवरुद्ध कर लेता है और अवरुद्ध करने के बाद संघर्षों का बहुत बड़ी मात्रा में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये दो चीज़ें एक वैज्ञानिक तरीके से हैं, इस चीज़ जो है ये चीज़ें जो है ये दिखाई पड़ रही है। और वहीं आगे क्या परिवर्तन हो रहा है, अगर आप दो वर्षों के बाद का परिवर्तन देखें, एक रेखा यहाँ से जो है शनि, और ये शनि का पर्वत है, ये आपका बृहस्पति का पर्वत है, इसके बीच में जा रही है और इसके बीच में जो है एक निशान जो है ये बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, यहाँ तक जा रही है, देखिएगा साइन बनता भी नज़र आ रहा है। मस्तिष्क रेखा से अगर इस तरह से जो है ये रेखा जो है शनि की ओर जाती है, युक्ति बनाती है शनि पर पहुंचकर, तो जीवन काल में थोड़ी उदासी तो रहेगी, लेकिन रिसर्चर और उच्च कोटि के खोजकर्ते के गुण जो है आते हुए प्रबल अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। किसी न किसी विषय पर व्यक्ति जो है अपनी खोज और अपना रिसर्च जारी रखेगा और उसमें बहुत बड़ी सफलता व्यक्ति को हाथ लगेगी। गुरु और शनि के बीच में जो इस तरह सा ये निशान दिखाई दे रहा है, पत्ती का साइन बनता नजर आ रहा है, ऐसे में जातक न्यायप्रिय और अनुशासित हो जाता है। निश्चित तौर पे आपके अंदर ये गुण विद्यमान है, आप अनुशासित भी हैं और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो न्यायप्रिय भी हैं, न्याय आपको पसंद है, दार्शनिक भी होंगे, शत्रु कभी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये जो है ये चिन्ह जो है बता रहा है। रहस्यमयी विद्याओं की ओर भी झुकाव बन सकता है, अध्यात्म की ओर उच्च कोटि की खोज संभव हो सकती है। और ऐसा व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजी है, तांत्रिक विद्या है या कोई धार्मिक जो है विद्या है, और इनका जो पूजा करने का विधान है, धार्मिकता अध्यात्मिकता का विधान है, वो बहुत सुंदर और अलग हिसाब से होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ रेखाएं इस तरह आ रही हैं जो व्यक्ति को जो है धीरे धीरे अध्यात्म की ओर जो है प्रोग्रेस लाने हैं, ये अध्यात्म की ओर व्यक्ति जो है प्रोग्रेस कर सकता है। थोड़ा सा अगर मंगल का ये भाग देखें, ये थोड़ा बैठा हुआ है और बहुत सारी लकीरों द्वारा जो है कटा हुआ है, यहाँ पर भाग है, देखिएगा ये दो चीज़ देता है, एक तो थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव दे देता है व्यक्ति को, और एक थोड़ा व्यक्ति के अंदर जो है गुस्सापन भर जाता है, क्रोधी स्वभाव दे देता है। तीसरी चीज़, ये जब इस तरह का ये चल रहा होता है और भाग्य रेखा इस तरह मिल रही होती है और ये जो है मंगल का पर्वत इस तरह से हो तो कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता है, पराक्रमी लेवल को व्यक्ति का गिरा देता है। जो व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव का होता है, उसकी स्फूर्ति होती है, ऊर्जावान रहता है, उसको ये उसके लेवल को कम कर लेता है, व्यक्ति जो है चीज़ों को फेस नहीं कर पाता है, अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाता है, ये गुण जो है इसके कमज़ोर होने पे देता है और डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत बुरा प्रभाव डालता है, बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। ये कंडीशन बहुत बेकार हो जाती है, व्यक्ति बड़ी मुश्किल से जीता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी कर लेता है जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से टूट जाए, भाग्य रेखा इस तरह से एकाएक रुक जाए और ये पर्वत एकाएक जो है यहाँ पे डंप स्थिति में आ जाए, कमज़ोर स्थिति में आ जाए। तो एक तो जो है मन में जो है व्यक्ति जो है डिसीजन ले नहीं पाता है, दूसरा गलत निर्णय करने पर संघर्ष की उत्पत्ति होती है, तीसरा कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे घटा लेता है, चीज़ों को फेस करने नहीं देता है, समझाने में देर लगती है, ये चीज़ें ये देता है। और साथ में जो है सूर्य भी इस तरह से बहुत ज़्यादा कमजोरी की स्थिति में आ जाता है,
अब तो थोड़ा सा ठीक है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, मगर फिर भी है। जितना व्यक्ति मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उस हिसाब से उस व्यक्ति को उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा जो है क्रेडिट नहीं मिल पाता है। दूसरा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उस नौकरी में या उस व्यवसाय में व्यक्ति को विस्तार नहीं हो पाता है, व्यक्ति को फैलाव की स्थिति नहीं मिल पाती है, फैलाव नहीं हो पाता है, ये चीज़ें हैं। दूसरी, कोई भी आपका काम है, काम आपका बनते बनते रह जाता है, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, किसी भी कोई भी काम हो, आपका बनता बनता रह जाता है। तीसरी चीज़, अगर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अगर ये तिल है और तुरंत उभरा है और शनि का पर्वत भी बहुत ज़्यादा विकास अवस्था में आ गया है, तो ऐसे में अगर आप कोई भी काम करो, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही वो सफलता की प्राप्ति उसमें होती है। अगर ये तिल का भाव है तो ये नौकरी का मालिक होता है, भाग्य स्थान का मालिक होता है शनि। और देखिएगा, अगर ऐसे में जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में या नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अगर यहाँ पे थोड़ा शनि को समझे, बाकी मैंने समझाना लोगों को ज़्यादातर छोड़ दिया है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा बताता हूँ, पर यहाँ पे बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष में जो नौकरी है वो पूरी तरह हमारी इस शनि के अधीन होती है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में, परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे मुख्य ग्रह जो है हमारा शनि ही होता है। हालांकि आपके कारोबार के लिए और आपके इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए बृहस्पति जी हमारे जिम्मेदार होता है, और नौकरी के मामले के लिए हमारा शनि जिम्मेदार होता है। जब आपके हथेली में ऐसा एकाएक तिल आ जाए, या तो ये बहुत कमज़ोर स्थिति में चले जाए, या इसमें जाल आ जाए, या वो नीचे बैठ जाए, तो शनि गड़बड़ है, ये समझना चाहिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपनी हथेली को देख सकते हैं। ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। आपका शनि अगर इस तरह बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते, और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बनी रहती है। अब दूसरी बात मैं कहूँ, कोई भी अगर आपकी हथेली में तिल आता है तो उसका प्रभाव सिर्फ 2.5 साल तक बहुत प्रबल रहता है, उसके बाद उसका प्रभाव जो है नगण्य अवस्था में आने लगता है, उसका प्रभाव खत्म होने की स्थिति में आने लगता है। तो कुछ चीज़ें जो है बहुत नेगेटिव थी, इनको देखना बहुत ज़रूरी था। अब हम जो है पॉजिटिव चीज़ों को भी देखते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को देखें तो सबसे पहले जो है जीवन रेखा की सहयोगी रेखा, जो मंगल रेखाएं हैं आपकी, अगर वो देखें बहुत सुंदर है। देखिए, ये जैसे जैसे प्रबल होती जाएगी, लोगों का सहयोग आपको बहुत सुंदर अवस्था में मिलने बैठेगा। दूसरी बात, ये धन रेखा भी है, जमीन जायदाद से जो है ये आपको धन दिलाएगी। ये भी जब प्रबल अवस्था में आ जाएगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, आप जो है चीज़ों को फेस कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। बहुत सुंदर जो है मंगल की स्थिति बन रहा है, कहीं ना कहीं भूमि संबंधित लाभ आपको जरूर देगा। मंगल आपका सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, तो मंगल जो है हमेशा आपके जीवन में ऊर्जावान आपको रखेगा। थोड़ा सा जल्दबाजी में निर्णय न ले, गलत निर्णय जो है आपको जो है बहुत पीछे धकेल सकता है, बहुत ज़्यादा जीवन में पछताना आपको पड़ सकता है, इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब आपकी हथेली की जो रंगत है वो बहुत सुंदर बनती जा रही है, और इसका प्रभाव भी जो है इनका प्रभाव खत्म होने के कगार पे है। इन 2 सालों के अंदर अंदर जो है आप जो है बहुत ज़्यादा कवर कर पाएंगे, और अपने जीवन का लुत्फ बहुत सुंदर ढंग से निभाने की ओर आप जा रहे हैं। धन के मामले में हो, प्रसिद्धि के मामले में हो, सुख के मामले में हो, जीवन में बहुत अच्छी तरक्की नज़र आ रही है। कुछ उपाय भी दूंगा,
उनको निश्चित तौर पे करिएगा, एक रूटीन के हिसाब से करिएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत सुंदर बदलाव जो है होने जा रहा है, मगर धीरे धीरे होगा और 2 सालों के बाद जो जीवन होगा वो अलग ही जो है निखार पे आएगा, बहुत सुंदर जो है रहने वाला है, बहुत अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति। देखिए अभी आर्थिक स्थिति जो है नगण्य अवस्था में है, कम अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इस रेखा को भी जो है रेखाएं काट रहे हैं, जब भी हमारी मातृ रेखा जिसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा, उसको कुछ रेखाएं काटे तो व्यक्ति के पास धन तो आता है, मगर धन उस रूप में व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है, खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो धन बच नहीं पाता है। मगर ये जब स्थिति 2 सालों के बाद ठीक हो जाएगी तो निश्चित ही जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर रहेगी, और जो संघर्ष आपने देखा है, जो संघर्ष आपने इस वजह से झेला है, वो संघर्ष कहीं ना कहीं जो है ख़त्म होता दिख रहा है। मंगल का मैं विशेष उपाय आपको दूंगा, इसका विशेष उपाय दूंगा, ये ज़रूर करिएगा, बहुत सुंदर जो है आपको फायदा होने वाला है, बहुत अच्छा जो है रहने वाला है। अगर हम देखें आपकी जो इच्छा शक्ति बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बता रहा है, और इसके बीच में जो है अपने पैसों की कमाई का अपने घर का सपना आपका पूरा होगा या हो चुका होगा, या पैतृक संपत्ति आपको मिल चुकी होगी, थोड़ा भावनात्मक भी ये आपको यहाँ पे बता रहा है, इमोशनल व्यक्ति भी होंगे, न्यायप्रिय तो हैं, अच्छे सलीके से जीवन जीना अच्छा लगता है। अगर आपको अब 2 सालों के बाद किसी का सहयोग ना भी मिले तो भी अपने मेहनत और अपने जो है लग्न से जो है अपने को बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत ही आगे ले जाएंगे, सुंदर आगे ले जाएंगे अपने को। और यहाँ पे देखो शुक्र का पर्वत प्रबल और मस्त अवस्था में आ रहा है, बहुत सुंदर और सही रूप में उभर के आ रहा है। आपका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत प्रभावशाली रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है, अपने को मेंटेन रखेंगे, सुख सज संवर के रहेंगे, और ये सुख देने वाला ग्रह भी भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छी रखेगा, बहुत सुंदर आपको रखेगा। और कहीं देखा जाए तो वाहन का मकान का सुख जो है आपके जीवन में निश्चित ही है, जीवन में बहुत अच्छा है। परिवार का भी सुख ये दिखा रहा है आगे, अब कैसा रहेगा ये आपके अपने ऊपर है, क्योंकि ये रेखाएँ जो हैं थोड़ा गड़बड़ कर रही हैं, ग्रह आपका ये ठीक है, ये परिवार का सुख बहुत सुंदर बता रहा है कि आने वाले 2 सालों के बाद आपको परिवार का भी सुख मिलेगा, चाहे कैसे भी मिलेगा, पर आपको निश्चित मानिए आप अभी आपके माइंड में ये शून्य भी होगा, कुछ नहीं होगा, मगर आपको परिवार का सुख मिलना ही मिलना है, जैसे जिस तरह से भी मिले आपको शुक्र बहुत सुंदर जो है परिवार का क्या कहें कि दाम्पत्य जीवन का सुख भी देगा। अब कैसे देगा ये यही ग्रह जाने क्या होगा 2 साल के बाद, ये यही ग्रह बता पाता है, मगर निश्चित है इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा और इसका जो है सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाला है। वाहन का मकान का सुख आपके जीवन में जरूर है, हाँ थोड़ा ये कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा रहा है, निर्णय लेने की क्षमता को जो है असर डाल रहा है, चिड़चिड़ा स्वभाव को क्रोधी स्वभाव को जो है ये देता हुआ जा रहा है, चीज़ों को फेस न कर पाए आदमी और जो डिसीजन है वो ढंग से न ले पाए, ये मंगल ये चीज़ दे रहा है, इसको जो है थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आज जीवन रेखा देखें तो थोड़ा सा जो है इस तरफ आ रहा है, ऐसे में जीवन भर जब तक जीवन रहता उतार चढ़ाव जीवन में रहता ही रहता है, इसका कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि ये रेखा कभी बदलती नहीं है, ये जीवन में लग्जरी भी रहेगी आपके जीवन में, सब कुछ रहेगा मगर उतार चढ़ाव जो है बना रहेगा। अगर यहाँ पे देखें तो इस तरह से जो है ये सुंदर जो है बताता हुआ जा रहा है और बृहस्पति की ओर जो है इशारा कर रहा है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है बहुत सुंदर रहेगी, और प्रतिष्ठित क्षेत्रों में अगर नौकरी कर रहे होंगे तो जैसे किसी भी बहुत बड़े मैनेजमेंट में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या राजनीति के किसी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो 2 सालों के बाद बहुत सुंदर जो है कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, ठीक है ना, और या शिक्षा हो, ऐसे क्षेत्रों में बृहस्पति आपको बहुत सुंदर जो है देता हुआ नज़र आ रहा है।
और ये धन का ग्रह भी है, अध्यात्म की ओर भी ये व्यक्ति को ले जाने में सक्षम है, अध्यात्म की ओर, खोज की ओर, रिसर्च की ओर भी आपको ये ले जाएगा। उंगली जो है इस तरफ है, धार्मिक भावनाएं ज़्यादा जो है आप में देखने को मिल रही है, लीडरशिप के गुण भी बहुत सुंदर हैं, और नाम यश हो और हिम्मती स्वभाव हो उसको भी बनाई ये आपकी सूर्य की जो उंगली है वो बहुत सुंदर बनाई हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही आपको जो है सफलता की प्राप्ति होगी, ये आपके शनि की उंगली कह रही है। सूर्य की ओर देखें, सूर्य में जो है एक यश साइन जो है निश्चित तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले 2 सालों के बाद यश में बहुत वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, और निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति का फैलाव जो है निश्चित तौर पे होने जा रहा है। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये उंगली देखिए बहुत सुंदर है, ठीक ठाक है, यहाँ तक पहुँच रही है। आगे कम्युनिकेशन स्किल्स, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत सुंदर तरीके से निखारने जो है जा रही है ये। और इसमें देखें तो ये बुढ़ापे में जो है व्यक्ति को बहुत सुंदर धन और सम्मान से परिपूर्ण रखता है। व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है और कहीं ना कहीं जो है सूक्ष्म दर्शी होता है। ऐसा व्यक्ति योजना बना के अपने काम को करता है, योजनाबद्ध तरीके से करता है, और भौतिक सुख सुविधाएँ भी ये बहुत सुंदर देता हुआ नज़र आ रहा है आपका बुध। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा, और कहीं ना कहीं देखा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में दूसरे को किस तरह से प्रभावित कर सके उस क्षेत्र को जो है उस क्षेत्र में जो है ये वृद्धि करने के अपने मूड में आ रहा है। आपका बुध जो है आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके जो है जीवनचर्या को भी, जीवन लाइफ स्टाइल को भी जो है बदल सकता है। ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, साहसी होता है, निडर होता है, सोचने और समझने की शक्ति ऐसे व्यक्ति में बहुत अच्छी होती है। ये व्यक्ति जो है जीवन में कैसी भी परेशानियां आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, ये व्यक्ति कभी घबराता नहीं है, अपनी सॉल्यूशन ढूंढता है अपनी प्रॉब्लम का। हाँ, थोड़ा ऊपर की कुछ लाइनें जो है जाती हुई दिखाई दे रही है, हल्का कोर्ट कचहरी का मामला कभी बना होगा तो इस ओर जो है ये इशारा कर रही है। थोड़ा अगर हम आपका ये जो है पर्वत देखते हैं, बहुत सुंदर है, ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है और आपका चंद्रमा बहुत सुंदर जो है रूप में दिखाई पड़ रहा है। आप भी बहुत सुंदर होगा, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, और कहीं ना कहीं बहुत सुंदर सोच के मालिक भी होंगे। ये प्रबल अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे और मजबूत हो भी गए होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल ये बहुत सुंदर रख रहा है, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल ये रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या हो मन मजबूत रहेगा, इस ओर जो है ये इशारा कर रहा है। चंद्रमा मजबूत है, आप पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका बहुत सुंदर जो है दिखता हुआ नज़र आ रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा आपका चंद्रमा बढ़ा रहा है। अच्छा है, आप क्रिएटिव रहेंगे, बहुत सुंदर क्रिएटिव रहेंगे, और बहुत बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति को जो है जिसका चंद्रमा इस तरह लालिमा युक्त होता है, बहुत सुंदर और सुंदर उभार लिए दिखाई देता है। ऐसा पर्वत वाले को माँ का सुख बहुत सुंदर मिलता है। अगर आप लोगों की माँ है तो आपको माँ का सुख बहुत सुंदर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। हथेली में चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, इसका प्रभाव जो है खत्म होने की कगार पे है। तो जीवन में महिलाओं का सहयोग अच्छा खासा मिलता है, चाहे माँ हो, बहन हो, लाइफ पार्टनर हो, सहेली हो, कोई भी हो। अगर चंद्रमा आपका बेहतर होता जाता है तो आपको महिलाओं का सहयोग भी बहुत सुंदर तरीके से मिलने लगता है। अगर बात करें तो कुल मिला के चाहे आपका करियर की दृष्टि हो, चाहे आपका आर्थिक पक्ष हो, चाहे आपका संघर्ष का पक्ष हो, चाहे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे घर का सुख हो, चाहे आपका जो है वाहन का सुख हो, चाहे जीवन का लुत्फ हो, 2 सालों के बाद बहुत सुंदर समय जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है और हर क्षेत्र में जो है प्रगति दिखाई पड़ रही है और उस सुख की भी प्राप्ति दिख रही है जो सुख से आप अभी तक वंचित रहे हैं।
कोशिश करिएगा, जल्दबाजी में निर्णय न लीजिएगा, भावनाओं के वशीभूत होके या तेज में आके गुस्से स्वभाव में आके तुरंत निर्णय मत लीजिएगा, ये आपके लिए घातक हो सकता है। मगर आपने सूझबूझ करके जैसे गुण अब आते जा रहे हैं ऐसे अगर कर लिया, जो सुख आपको अभी तक नहीं मिला, जिस सुख से आप वंचित रहे, वो सुख जो है आपको 2 सालों के बाद निश्चित ही जो है बहुत सुंदर अवस्था में निकल आ रहा है, और ओल्ड एज तो और भी अच्छी रहने की जो है आपको इशारा कर रहा है। तो देखिएगा, अगर हम देखें तो मैंने आपकी हथेली का हर रेखा, हर चिन्ह, आपका कलर, आपकी उंगलियां, आपका अंगूठा, आपके जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जितनी भी रेखाएं सबका और आपके ग्रहों का अध्ययन करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, मैं जो है आपके सवालों का निश्चित ही जवाब दे दूंगा, और उपाय भेज रहा हूँ उनको विधि के अनुसार ज़रूर करिएगा, बहुत सुंदर फायदा आपके जीवन में होने वाला है। और उन व्यूअर्सों को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट उनसे करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ ही घंटे का आइकन होगा उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, और जाते जाते जो है लाइक कर लीजिएगा। दूसरी वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।